चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई सबूत है ना ही केस। तब्दीली सरकार आवाम के सामने बेनकाब हो गई, धांधली जदा हुकूमत को कोई मानने को तैयार नहीं। हर जमहूरी एहतजाज का साथ देंगे, 18वीं तरमीम पर हुकूमत से कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर आसिफ जरदारी मौलाना के आजादी मार्च की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद, बिलावल भुट्टो को भरपूर अंदाज में शिरकत की हिदायत, कहते हैं फजलुर रहमान अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। मौलाना मेरे दोस्त हैं लेकिन सियासत बिलावल ने करनी है, विफाक का सिंध हुकूमत पर हमला नाकाम होगा। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और बख्तावर की वालिद से मुलाकात। वफाकी वजीर शेख रशीद ने फजलुर रहमान को निशाने पर ले लिया, बोले समझ से बाला है कि मौलाना ने अचानक आजादी मार्च का ऐलान कैसे किया, शहबाज शरीफ लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, 27 अक्टूबर खैरियत से गुजर जाएगा, इमरान खान 5 लोगों को एनआरओ दे दें तो तहरीकें खत्म हो जाएंगी। वज़ीरे ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मौलाना को आज़ादी मार्च की तारीख बदलने का मशवरा, बोले 27 अक्टूबर वो मनहूस दिन है जिस दिन भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया, ये दिन यौम सियासत से मंसूब हो चुका है, एहतजाज से कश्मीर कॉज को तकवियत नहीं नुकसान पहुंचेगा। विफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान जैसे कई कार्टून आए और कई गए, इस्लामाबाद में बेसब्री से इंतजार है, ऐसा बिठाएंगे कि दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेंगे। वजन में कमी के लिए अडियाला में मशीनें लगा दी हैं। फैसल वावडा के खिलाफ शहबाज शरीफ की इंतखाबी अजरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर आज़म इमरान खान आज स्कर्दू जाएंगे, म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अहम ऐलानात करेंगे। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग की रोजाना समात के लिए नून लीग इन एक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है पैसे कहां से आए कहां गए, चोरी नहीं की तो तलाशी दें। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, कई अरकान की बैक वक्त नुकता एतराज पर बोलने की कोशिश, यह ऐवान है किसी की बदमाशी की जगह नहीं, डिप्टी स्पीकर की तंबीह। खैबर पख्तूनख्वा में मसीहा हट धर्मी पर कायम, 10वें रोज भी अस्पतालों की ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स बंद, वसीर सेहत अशाम इनामुल्ला का कहना है कि अस्पतालों की निजकारी नहीं हो रही, सब स्ट्रक्चर भी तब्दील नहीं होगा, डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर दें, रियासत की रेड चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ऑटो इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर, गंधारा इंसान कंपनी का पैदावार 80% कम करने का फैसला, सालाना 50,000 की बजाय अब 500 गाड़ियां तैयार की जाएंगी, कंपनी ने 2021 में नई गाड़ियां मुतारिफ कराना थी।